News 18, India. देवभूमि उत्तराखंड को जिन्होंने भी आग के हवाले करने की और शांति भंग करने की कोशिश की है, उन दंगाइयों पर अब देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आई है, उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई को आखिर धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है। क्या कुछ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत मीटिंग की और क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो सबसे पहले आप सुने। प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं वहाँ पर। अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही हल्द्वानी की ये पूरी घटना सामने आती है, पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग ली जाती है, इमरजेंसी मीटिंग ली जाती है, जिसमें पुलिस शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद होते हैं, जिसके बाद कुछ फैसले यहां पर लिए जाते हैं। वो फैसले क्या क्या हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहली प्राथमिकता कही कि प्रदेश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया जाता है, उसके बाद स्कूल कल बंद रहेंगे इसे भी अनिवार्य यहां पर कहा गया है, और साथ ही साथ दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का भी आदेश दिया गया है। यानी साफ साफ महासंदेश दिया गया है कि अगर देवभूमि उत्तराखंड को आग के हवाले या फिर धर्म के नाम पर इस तरह से तार तार करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर कोई भी दंगाई उपद्रवी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये तीन तस्वीरें आप बेहद गौर से देखिए, क्योंकि ये बता रही है कि बुलडोजर चलता है और शाम को हिंसा और आग की तांडव की यह तस्वीरें सामने आ जाती है, जहां पर एक सोची समझी साजिश भी नजर आ सकती है, और उपद्रवियों पर सरकार बेहद सख्त यहां पर हो चुकी है। कैमरे की निगाह से मैं आपको दिखा सकता हूं, तो मैं दिखाता हूं आपको, इस समय मैं बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर से मौजूद हूं। एम्बुलेंस किस तरीके से मूव कर रही है, पुलिस के जवान हैं और कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं, और बेहद गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, और ये एम्बुलेंस के जरिए जो घायल लोग हैं, ये देखिए, ये पब्लिक के लोग हैं जो वहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं इस दंगे में। और ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, न्यूज़ 18 आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तस्वीरें इस समय दिखा रहा है।